अस्सलाम वालेकुम जी, यासर संधु ट्रैक्टर जून यूट्यूब चैनल तो भाई नाल मेरे चौई वाहद अहमद साहब आ अरसल फार्म तो इन्हों का भी यूट्यूब चैनल अरसल फार्म के नाम तो एक ट्रैक्टर खरीदिया भाई जी। असी क्या भी अपना चौई साहब के नाल तुहाडे नाल शेयर कर लईए। मैसी 290 385 HP का लईए चौई साहब, तो मुमकिन है ये ट्रैक्टर जिहड़ा है वह तुहानूं आने वाले दिनों में अरसल फार्म से या मेरे को चलता है नज़र आए। ये ट्रैक्टर तैयार करवाना आपां, तो ट्रैक्टर तुहानूं करीब तो सारा दिखाने, ट्रैक्टर चैक करो कैसा पुरजा है। असीं कहा यार कुछ मुनफरद भी तैयार कराइए। मैं असी 385 तो अपने को ऑलरेडी फार्म से चल रहे हैं, तो इन्हों को भी चल रहा, मेरे को भी चल रहा है, बाकी ट्रैक्टर भी जो नवे आ रहे हो तो सारे खरीदी जाते। आप पुरजा तैयार करवाना, इहदा रंग देखो भाई जी, दिखाओ जरा। अच्छा भैन पूरी मेहनत की है ट्रैक्टर से, पूरा अखरोट तरह ट्रैक्टर पिया चोरी वाह साहब जी जी चीज बनेगी ते मजा आएगा देखने का। कैमरामैन दोस्त इधर भी आवे नजर आया, दिखा ली इधरली साइड भी ट्रैक्टर दी, इधरली साइड ते आओ जी। जी वाहिद भाई अपना सब तो पहले जेड़ा तुसी डीजल पंप देखो जी, CAV का डीजल पंप लगा इन, ठीक है जी, और बड़ा जबरदस्त पंप वा। बाकी अगर तुसी इहदी स्पिंडल वगैरह तुसी देख लो या इहदा लोहे का तुसी म्याद देखो, ठीक है जी, तो बहुत ही जबरदस्त वे। इंशाल्लाह ताला इहनूं जदों आपां तैयार करांगे ते दोस्तां दे नाल जरूर इहनूं शेयर करांगे। थोड़ा जिहा टाइम तो जरूर लग जाएगा इहदे उपर, लेकिन इह ट्रैक्टर अपने जैनुअन पेंट दे विच और जैनुअन हालत दे विच, इहदा बाकी हिस्सा जिहड़ा हैगा वो भी है अपने कोल सारा टोटल, लिहाजा इन देखो गोरे ने पहले स्पेसर दिता वा, ठीक है जी, उन्हां दी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उस तो भी पिछे जा रहे हैं। चलो साहब लोहे दा म्यार जिहड़ा ना जी देखो तुसीं, और सब तो वड्डी गल इहदी तुसीं देखो डिफेंशन लाक, जिहड़े हुण डिफेंशन लाक आउंदे उहनां ते निगाह मारो और इहदे डिफेंशन लाक दी लंबाई देखो तुसीं, इत्थे अड्डी रखणी पैंदी सी, सिर्फ ड्राइवर ने अपनी ब्रेक पैडल तो पैर चकणे तां डिफेंशन लाक ते आ जाणा सिर्फ उहने। हांजी ठीक है जी, इसे तरह अगर इहदे एक्सलां दी असीं पिछे गल करिए, ट्यूबां दी गल करिए, इहनां दा म्याद देखो किड्डा जबरदस्त किस्म दा वा। अगर इहदा तुसीं हाइड्रोलिक टापा देखो, मेरा ख्याल है कि अगर इह ओवर भी करेगा ना ते इहदी जल्दी टापा जिहड़ा इहदे फटण वाली चीज़ नहीं है जी इह, ठीक है जी। बैक साइड दे उप्पर तुसीं देख सकदे हो दो, ठीक है जी, ए देखो तुसी ए हुण दे ट्रैक्टर जिहड़े हैगे अगर दो दफा भी खुल जाण उस तों बाद इह फर्क हो जांदा वा सिस्टम सारा इहनां दा, ठीक है जी। अगर तुसी इहदे आ जाओ तुसी स्टीयरिंग व्हील दे उत्ते, स्टीयरिंग व्हील दा वेख तुसी देखो दोस्त देख सकदे हो वी किसे जगह दे उप्पर वी इहदी अगर कोई लीकेज नजर आ रही होवे बिलकुल जरा जी। चल साहब इह डंडा स्टीयरिंग आया सी जी जी, हां जी पावर इहनूं लग जांदी आ, मैं गल कीती सीगी, मैं कहा पावर लग जांदी कहिंदे रिमा दी गल होई सीगी, रिम ए आए पे इन्हां नूं नाल जेनवरी वेट आ इदां इसे तरीके, तो वेटा समेत या रिम पे आ, तो कोशिश करते हैं कि इन्हां नूं रिम आ वेटा तो बगैर वाले कोई रिम तैयार करवा लईए, वरना फिर ये वेटा वाले जिदा है इन्हां नूं फिर बिल्कुल ठीक है, इन्हां नूं मसला कोई नहीं है, खोले हुए पेंट वास्ते फिर नहीं तो इन्हूं पुटीन मरावे, दोबारा इन्हें रगड़ाई करावे, सफाई सफुई करा के ट्रैक्टर नूं तो पेंट करवा देंगे, तो मशवरा भी दियो नाले दोस्त कमेंट करके कि जिहड़े वेट जेनुअन लगे दी प्लेट नहीं हैगी जी, ए वाली प्लेट नहीं है, ये 2 इंच दी इस तरीके चौड़ाई दे विच प्लेट है और सारा वेट है सेंटर दे विच, जिहड़ा प्लेट दा काम आ वेट कर रहा है। आपां इन्हां रिमां नूं तैयार करवा लईए इस ट्रैक्टर वास्ते, या रिम आपां बदल दईए, मैसी वाले दूए वेट जिहड़े आ उह ला दईए, आम उह लग जांदे आ।